अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी उर्दू कवायद की टीचर। आइए देखिए उर्दू कवायद में हमें मिका शशुम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें क्या काम करना है। ये है हमारा मिका शशुम और इसमें जा रहा है हमारा है 61। है 61 में हमें करना है सफ़र नंबर 24 और 25 की पढ़ाई। हम ये काम पहले कर चुके हैं लेकिन अभी हम सब काम की दोहराई करेंगे। हमारी बुक मुकम्मल हो चुकी है लेकिन हम सब काम की दोहराई करेंगे, ठीक है। सफ़र नंबर 24 और 25 की हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कारकर्दगी करेंगे यानी कि एक्टिविटी करेंगे, और घर के काम में आपको सफ़र नंबर 24 और 25 की मश्क करनी है। सफ़र नंबर 24 और 25 की मश्क करें। आइए देखें सफ़र नंबर 24 और 25 हमारा कौन सा टॉपिक जा रहा है। ये है हमारा सफ़र नंबर 24 और ये है सफ़ा नंबर 25। हम इन दोनों सफ़ात की पहले हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज पढ़ाई करेंगे और फिर मैं आपको कारकर्दगी करवाऊँगी। हमारा टॉपिक जा रहा है इसम, जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। इसम किसे कहते हैं? किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर वगैरह के नाम को इसम कहा जाता है। बताया था ना मैंने आपको, इसम किसी भी चीज़, जगह, जानवर के नाम को इसम कहते हैं। मसलन लड़का, अहमद, स्कूल, पहाड़, फूल, किताब, बिल्ली वगैरह। दी गई तस्वीर को देखकर इनके इसम लिखिए। अब हमारे पास ये तस्वीर बनी हुई है, इनके इसम हमने इसके आगे लिखे हुए हैं। हम ये काम कंप्लीट है, जैसे इसकी पढ़ाई करेंगे, अच्छे से दोहराई करेंगे आप लोग, ताकि आपको इसम दोबारा दिमाग में बैठ जाए और अच्छे से याद हो जाए। तितली, आग, दरख्त, बारिश। तस्वीर बनी हुई है, इसे देख कर हमने इसके इसम लिखे हुए हैं। दरख्त, तोता, फूल, भालू, शेर, टोपी, हवाई जहाज़, ठीक है। इसकी पढ़ाई करने के बाद आएंगे इसम पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे फेल पर। फेल में हमें क्या करना है? फेल किसे कहते हैं? किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है, जैसे आया, खेला, पढ़ा वगैरह, ठीक है। किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है, जैसे आया, खेला, पढ़ा वगैरह। दिए गए अल्फाज में से फेल तलाश करके मुतलका तस्वीर के सामने लिखिए। अभी हमारे पास अल्फाज इसम भी है और इसमें हमारे पास फेल भी है, इनको हमें अलग अलग करके लिखना है। फेल के सामने फेल लिखना है। किताब, उड़ा, कागज़, खाया, सोया, पकाया, पतंग, गेंद, खेला, गया, घर, रोया, बच्चे, पढ़ा, फूल और गमला। ये सारे इसमें इसम भी हैं। फेल इसम आपको मालूम है, किसी भी चीज़, जगह, जानवर के नाम को इसम कहते हैं, और फेल जो काम हम करते हैं, काम का करना या होना फेल कहलाता है। जिसे अब ये इसम है और ये बच्चा क्या काम कर रहा है? पढ़ा। इसी तरह से ये परिंदा, परिंदा क्या कर रहा है? उड़ा। यानी ये फेल है, ये इसम और ये फेल। यहाँ पर ये बॉय और ये क्या इसम, इसका फेल क्या है? सोया। और ये क्या लिखा, ये गर्ल है, बच्चा है, बच्ची क्या कर रही है? रोया। यानी यहाँ से हमने इसम उठाया, इसम इसमें से फेल उठा के हमने यहाँ लिखे हैं। ये क्या कर रही है? कौन सा इसमें फेल है? खाया। ये कौन सा फेल है? खेला, ठीक है। आइए हम इसकी पढ़ाई करने के बाद आपको कारकर्दगी करवाते हैं। और ये कारकर्दगी आपको अपनी उर्दू कवायद की जो कॉपी है उसको सा के ले लीजिए और ये काम आपको उर्दू कवायद की अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है, ठीक है। विकास अशुम, इसमें आपको कारकर्दगी करनी है। ये कारकर्दगी है, दिए गए अल्फाज में से इसम और फेल को अलहदा करके लिखें। यह हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे लिख दी इसम और फेल। आपको अलग अलग कॉलम में इसम और फेल लिखने, ये एक्टिविटी करनी है कारकर्दगी। मेज़, उड़ा, फूल, कराची, खाया, गिरना, अब्बू, धोना, बाग और लड़ना। यहाँ पे इसमें इसम कौन कौन सा है आपने किया हुआ होगा, तो दिमाग में भी होगा आपके माइंड में। मेज़, फूल, कराची, पांच अल्फाज यहाँ आएंगे और पांच अल्फाज यहाँ आएंगे। इसी तरह जिसमें फेल कौन सा है? उड़ा, खाया, गिरना, धोना, लड़ना। यहाँ फेल के कॉलम में लिखेंगे और इसम के कॉलम में इसम लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये काम समझ आ गया होगा। ये काम आपको अपनी उर्दू कवायद की कॉपी आप स्कूल से आके ले जाइए। उर्दू कवायद की कॉपी में ये काम आपको मुकम्मल करना है। के अलाफ़।